2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी 400 से अधिक सीटें जीतने का लक्ष्य रखकर आगे बढ़ रही है। खुद पीएम मोदी अपनी जनसभाओं में अब की बार 400 पार जैसे नारे दे रहे हैं, कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ा रहे हैं। सियासी पंडितों का कहना है कि पार्टी जीतने की अधिक संभावना रखने वाले प्रत्याशियों को ही टिकट दे रही है, इसी कारण कई सांसदों के टिकट भी काटे गए। कर्नाटक के वरिष्ठ बीजेपी नेता और आर अशोक ने ये बड़े संकेत दिए हैं कि बीजेपी प्रत्याशियों की अगली सूची चौंकाने वाली होगी, खासतौर से कर्नाटक के लिहाज से। इसमें कई ऐसे नाम होंगे जिन्हें वर्तमान सांसदों के नाम काटने के बाद राजनीतिक रणभूमि में उतारा जाएगा। उन्होंने पार्टी की उच्च स्तरीय बैठक में हुई चर्चा के हवाले से ये खबर दी और टिकट बंटवारे पर मंथन जब हुआ था उसे लेकर उस बैठक के बाद उन्होंने ये बयान दिया। कर्नाटक विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष आर अशोक ने कहा कि केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में राज्य के नेताओं से विस्तृत परामर्श हुआ। बैठक में चर्चा के बाद यह तय किया गया कि कुछ सीटों पर नए प्रत्याशियों के नाम पर विचार किया जाएगा, भले ही इसके लिए वर्तमान सांसदों के टिकट काटने पड़े। उन्होंने यह भी कहा कि कर्नाटक की सभी 28 लोकसभा सीटों से जुड़े पहलुओं पर गहन मंथन के बाद ही टिकट के लिए उपलब्ध प्रत्याशियों के नाम पर चर्चा हुई। आर अशोक ने कहा कि बीजेपी मुख्यालय में हुई बैठक में कर्नाटक की सभी 28 लोकसभा सीटों पर विस्तार से चर्चा हुई। बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और कर्नाटक बीजेपी इकाई के कई नेता शामिल थे। केंद्रीय नेतृत्व ने सभी नेताओं से राय ली। बैठक में बीजेपी के राष्ट्रीय संगठन महासचिव बीएल संतोष भी मौजूद रहे। बैठक के लिए कर्नाटक से दिल्ली पहुंचे नेताओं में आर अशोक और संसदीय बोर्ड के सदस्य और पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येदुरप्पा भी थे। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी भी थे। कर्नाटक बीजेपी के अध्यक्ष बी वाई विजयेंद्र भी थे और पूर्व मुख्यमंत्री बसवराव बोमई भी थे। इसके अलावा बीजेपी के राज्य संगठन सचिव राजेश जीवी भी मौजूद थे। यानी दिग्गजों के साथ कर्नाटक में जो एक्टिव बीजेपी के लोग हैं उन सबके साथ ये बैठक हुई। आर अशोक कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं। उन्होंने प्रदेश की सभी लोकसभा सीटों पर उम्मीदवारों के चयन और बीजेपी की दूसरी लिस्ट में एक सवाल पर राष्ट्रीय राजधानी में यह बयान दिया, दिल्ली में यह बयान दिया। आर अशोक के मुताबिक कर्नाटक की सभी सीटों पर उम्मीदवारों के नाम पर चर्चा के लिए अब संभवतः कोई और बैठक नहीं होगी। उन्होंने कहा कि लगभग सभी सीटों पर उम्मीदवारों के नाम फाइनल है। पार्टी आलाकमान अंतिम फैसला लेने के लिए एक या दो सूचियों में सभी प्रत्याशियों के नाम का ऐलान कर देगी। कुछ मौजूदा सांसद नए चेहरों के लिए रास्ता बनाने के लिए चुनाव नहीं लड़ने का फैसला कर रहे हैं, पार्टी इनके टिकट काट सकती है। इस सवाल पर आर अशोक ने कहा कि कुछ नेताओं ने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति यानी रिटायरमेंट की बात कही है, ऐसे में इन सीटों पर नए चेहरों को मौका मिलेगा और अन्य सीटों पर उम्मीदवारों का चयन राजनीतिक प्रदर्शन, संबंधित निर्वाचन क्षेत्र, जनाधार और जनता के मूड के फैक्टर पर निर्भर करेगा। कर्नाटक विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष आर अशोक ने यह भी कहा कि वो सटीक संख्या नहीं बता सकते कि कितने सांसदों का टिकट कटेगा, लेकिन हां टिकट तो कटेगा, अंतिम फैसला आलाकमान करेंगे। बीजेपी नए प्रत्याशियों को लगातार मौके देती रही है, इसलिए कुछ फैसले चौंकाने वाले जरूर हैं। दक्षिण कन्नड़ से मौजूदा सांसद नलिन कुमार कतील, उत्तर कन्नड़ से अनंत कुमार हेगड़े, मैसूर से प्रताप सिम्हा को दोबारा टिकट न मिलने की अटकलें जोरदार हैं। और इस पर आर अशोक कहते हैं कि सोशल मीडिया पर भावनात्मक टिप्पणियां हो रही हैं, इमोशनल कमेंट्स और पोस्ट चल रहे हैं, ये आलाकमान तय करेंगे, लिस्ट में पता चलेगा। बीजेपी की बैठक में हुई चर्चा को सार्वजनिक नहीं करूंगा, नहीं कर सकते, ये बात भी आर अशोक कहते दिखाई पड़े। उन्होंने कहा कि मौजूदा सांसदों को भी उम्मीदें बरकरार रखनी चाहिए, सूची जारी होने से पहले अंतिम मिनट तक संभावनाओं को खारिज नहीं किया जा सकता। बीजेपी मैसूर में रहने वाले शाही परिवार के वंशज यदुवीर कृष्णदत्त चामराजा वाडियार को मैसूर सीट से लोकसभा का प्रत्याशी बना सकती है, इसकी चर्चा है। टिकट मिलने की अटकलों पर आर अशोक कहते हैं कि उन्हें इस संबंध में कोई जानकारी नहीं है, यदुवीर से उन्होंने कोई संपर्क नहीं किया है, उनसे टिकट के संबंध में बात भी नहीं हुई है। लेकिन सूत्र कह रहे हैं कि केंद्रीय मंत्री शोभा करंदलाजे को भी उडुपी और चिकमंगलूर से हटाकर बंगलुरु उत्तर से राजनीतिक रणक्षेत्र में उतारा जा सकता है। खबरों के मुताबिक बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में कर्नाटक के गठबंधन सहयोगी जेडीएस को भी ऑफर किए जाने वाले निर्वाचन क्षेत्रों पर चर्चा हुई है और सूत्रों के मुताबिक जेडीएस 3 सीटों पर मांड्या, हासन और कोलार पर चुनाव लड़ सकती है, ऐसी चर्चा है। एक उम्मीदवार की बीजेपी के चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़ने की संभावना भी है जो कि जेडीएस के हैं। सूत्रों के मुताबिक प्रसिद्ध कार्डियक सर्जन और पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवगौड़ा के दामाद डॉक्टर सीएन मंजूनाथ बंगलुरु ग्रामीण क्षेत्र से चुनाव लड़ सकते हैं। इस सीट पर मौजूदा सांसद और उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार के भाई डीके सुरेश हैं और वो कांग्रेस के उम्मीदवार। आपको बता दें बीजेपी ने कर्नाटक में 5 साल पहले 2019 में कराए गए लोकसभा चुनाव में कुल 28 सीटों में से 25 सीटें हासिल की थी। बीजेपी समर्थित एक निर्दलीय सांसद मांड्या लोकसभा सीट से लोकसभा के लिए निर्वाचित हुए थे। 2019 में कर्नाटक में कांग्रेस और पूर्व पीएम एचडी देवगौड़ा की पार्टी जेडीएस के गठबंधन वाली सरकार थी।
साथ मिलकर चुनाव लड़ने के बावजूद लोकसभा चुनाव में उन्हें करारी शिकस्त मिली थी और दोनों दल केवल एक एक सीट जीतने में सफल रहे थे। अब आर अशोक का ये बयान, बीजेपी के कद्दावर नेता हैं, उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं कि कई सांसदों के टिकट कटेंगे, इंतजार कर्नाटक में आने वाली बीजेपी की सूची का है जिसमें कि 28 सीटों में से कौन इन है कौन आउट है, अब सबको इसी बात का इंतजार है कि कब सूची आएगी। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।